तो अभी इसका क्या रेट जा रहा है भैया इस कैरेट का? ये समथिंग है। और लेकिन आम कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते ओह भाई देखो भाई कितना बढ़िया खूबसूरत नजारा। ये पहले तोड़ा गया होगा? ये तकरीबन 4 से 5 घंटे पहले तोड़ा गया है। अच्छा जी। 5 अभी घंटों में वजन होगा इसका? एक का समथिंग 500 ग्राम होगा ये। अच्छा 500 ग्राम जी जी। ये देखिए ये कैरेट में दोस्तों इस वक्त मैं मलिहाबाद चौराहे पर हूँ और यहाँ पर आम के काफ़ी कह सकता हूँ कि जहाँ पर स्टोर होते हैं और देश के अन्य कोनों में आम जाते हैं मैं वहाँ पर आ चुका हूँ और इस वक्त आम की तुड़ाई हो रही है और यहाँ पर देख सकते हैं कि ये ट्रक सामने खड़े हैं और इन ट्रकों में आम भर भर के देश के सभी कोनों में जाते हैं। और ये मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, रात के 9 बज रहे हैं और ये देख सकते हैं मैं शमसुल फ्रूट कंपनी, ये देख सकते हैं इनका कॉन्टेक्ट नंबर भी लिखा हुआ है और ये देखिए। और यहाँ पर काफ़ी आपको भीड़ भड़क्का दिखाई देगा, काफ़ी लोग यहाँ पर एक्टिव रहते हैं। अभी यहाँ पर चल के कुछ लोगों से बात करेंगे कि यहाँ पर कौन सी आम की वैरायटी जो है भेजी जाती है, यानी बाहर भेजी जाती है, जिससे कि देश के सभी लोगों को ये आम खाने को मिलते हैं। दोस्तों आप लोग देख रहे हैं जय होम गार्डनिंग यूट्यूब चैनल और आज के इस वीडियो में आम जो कि एक्सपोर्ट होता है बाहर या फिर देश के अन्य कोने में जाता है कैसे जाता है ये वीडियो में कवर करने वाला हूँ। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं रात के 9 बजे हैं और ये ट्रक पूरी तरीके से लोड हो रहा है और यहाँ पर देखिए इस तरह से आम की लोडिंग होती है। ये सब कच्चे ही आम तोड़े जाते हैं, ये देख सकते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं इसमें सब आम ही आम रखे हुए हैं। इसमें क्या है भैया? यहाँ पर देखिए आम काफ़ी कैरेटों में रखा हुआ है। अब ये भैया हैं, इन्हीं की एक्सपोर्ट कंपनी है मैंगो एक्सपोर्ट कंपनी। ये अपने बारे में बताएंगे कि ये क्या एक्सपोर्ट करते हैं, देश के किस किस कोनों में आपका माल जाता है। बताएं सर, हिंदुस्तान के लगभग सभी कोनों में हमारा माल जाता है जी। अपना नाम बताएं। मेरा नाम है मोहम्मद जियाउल हसन। अच्छा तो इस वक्त किस आम की जो सप्लाई हो रही है बाहर? दशहरी। दशहरी जरा दिखा दीजिए इसकी क्वालिटी क्या है। दिखाते हैं यहाँ जरा। ये किसके लिए लाते? देखो ये निकालो, कोई दिखाइए। ये ले लो, इसको नीचे रखो। ये किसानों द्वारा की गई मेहनत है जो कि देश के सभी कोनों में जाती है। ये देख सकते हैं दशहरी, ये एक नंबर का है। अच्छा ये भैया जाते जाते पक जाता है? 2-4 दिन 3 दिन में पक जाएगा, 3 दिन में ये खाने के लायक हो जाता है। देखिए आम का साइज देखिए कितना बढ़िया है। तो इस बार आम की तुड़ाई कुछ जल्दी हो रही है कि सही टाइम पे हो रही है? सही टाइम आया है आम टूटने का। अच्छा इस बार भैया बारिश नहीं हुई, इसके बारे में आपको क्या कहना है? बारिश नहीं हुई उसकी वजह से आम थोड़ा लेट पक रहा है। अच्छा। इसमें जो कलर आना चाहिए वैसा कलर, रूखापन है, वैसा रंग रूप अभी तक नहीं आया है। अच्छा। और एक बारिश हो जाएगी तो इनमें सब समेत जो है कहते हैं आम खिल जाता है, थोड़ा बारिश खिल जाता है, थोड़ा साइज अच्छा हो जाएगा, कलर अच्छा हो जाएगा। अभी मैं देख रहा हूँ दशहरी है करीब 400 से 400 ग्राम तक की दिख रही है, काफी वेट है। तो भैया इस वक्त जो मंडी भी टाइट चल रही होगी जी, मंडी क्या रेट चल रहा है प्रति कैरेट? प्रति कैरेट नहीं, किलो के हिसाब से यहाँ पे माल बिकता है। केजी के हिसाब से जी 30 रुपए से लेके 40 रुपए तक की रेट है इसके। अच्छा 30 से 40, जैसा आम है वैसा रेट है? वैसे रेट है, जैसा आम होगा वैसे रेट होंगे। अच्छा ये पके आम भी अभी जाएंगे किसी भी? कच्चे तोड़ाई हो रही है? कच्चे ही तोड़ाई हो रही है अभी, कच्चे जाते जाते सब पक जाएंगे। अच्छा जहाँ पे जाएंगे 2 दिन में ये माल पक जाएंगे सब। अच्छा जैसे आपसे कोई संपर्क करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं संपर्क? आपसे संपर्क हमारा कॉन्टेक्ट नंबर ले लें, ठीक है, मैं स्क्रीन पर दे दूंगा। जिनको अगर आम चाहिए बल्क में तो इनसे संपर्क कर सकते हैं, इनकी गाड़ी हमारा ऑर्डर का भी काम है। हाँ ऑर्डर का भी काम है, देखिए बल्क में आम जिनको चाहिए इंडिया के। ये देखिए ट्रॉली आई, इसमें की भी अभी आपको हम माल दिखाते हैं। इसमें एक कैरेट लेके आना जरा, गुड्डन एक आम ला पहले इसमें का, ऐसे करके आपको इससे भी अच्छा साइज, इससे भी अच्छा कलर अभी हम आपको दिखाते हैं। अच्छा इससे बढ़िया आम है जी, मलिहाबाद की तरफ दशहरी अभी हम आपको दिखाते हैं। जियाउल जी बताएंगे कि ये जो वैरायटी है कौन सी है? सबसे पहले दशहरी, दशहरी बता रहे हैं टॉप नंबर की है, नंबर एक की क्वालिटी है। जरा दिखाएंगे भैया कैसी क्वालिटी है? आपको ये देख सकते हैं भैया, ये देख लीजिए वर्ल्ड फेमस दशहरी, जिसका की कोई तोड़ नहीं है। ये देखिए फल देखिए दशहरी का, ये देखिए कितना बढ़िया है, और एक नंबर की दशहरी है देख लीजिए। और ये बाहर जा रही है ना? सब बाहर जा रही है, सब बाहर जा रही है, तभी भारत के सभी कोनों में जाएगा और सभी को खाने को मिलता है। और बहुत ही उतना रेट नहीं मिल पाता है इन लोगों को, क्योंकि होलसेल मिलना चाहिए वैसा रेट नहीं मिल पाता है। किसान काफी दुखी है और इतनी मेहनत करते हैं। तो अभी इसका क्या रेट जा रहा है भैया इस कैरेट का? ये समथिंग 35-36 रुपए का भाव जा रहा है। और लेकिन आम कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते, क्योंकि इसमें कन्वेंस जुड़ा होता है, भाड़ा है, मुनाफा है,
100 से 100 रुपए के आसपास ही बिकता है, बाहर बिकता है जाके। अच्छा, समथिंग 100 रुपए का आइडिया। हाँ, क्योंकि पकाते हैं, उसके बाद मेहनत लगती है, लेबर कॉस्ट ही सब देखिए, सब मेहनत करते हैं सभी लोग, तो काफी मेहनत लगती है। देखिए भैया, यहाँ पर तौला भी जाता है कि एक कैरेट में कितना माल जाता है। ये 28 किलो है ना, 28 किलो 800। देखिए भैया, ये कैरेट में अब दूसरा कैरेट सिर्फ रख दिए, ये हो गया 58। देखिए, काफी मेहनत वाला काम होता है और रात रात भर यहाँ पर लोडिंग होती है। 3 कैरेट रख दिया आपने, ये 4 रख दिया। ये हो गया 114, 142 है ना। अब ये यहाँ से अब ये नोट भी किया जाएगा ना भाई, अभी ये नोट किया जाएगा फिर पहुँचाया जाएगा। देखिए भैया, आगे नोट करने के लिए देखिए यहाँ पर नोट किया जाता है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ये मैंगो यहाँ से जो है बाहर सप्लाई होता है, और ये भैया की कंपनी है। अपना नाम बताएं, अपनी कंपनी का नाम बताएं। हमारी कंपनी का नाम शमसुल फ्रूट कंपनी है। अच्छा, आपका नाम? हमारा नाम जियाउल हसन है। जियाउल हसन है, और कब से ये काम कर रहे हैं आप? ये हमारे पिताजी लगभग 35 सालों से काम कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो अभी आप हमको कौन सा आम दिखाने जा रहे हो? हम आपको दशहरी आम दिखाएंगे। आपने मुझे कई क्वालिटी दिखाई है, लेकिन आप बता रहे हैं इससे बढ़िया जी, जी, सबसे बढ़िया दशहरी है। ये देखिए, ओह भाई देखो भाई, कितना बढ़िया खूबसूरत नजारा। ये देखिए, ये देखिए, ये सही है बिल्कुल। ये कितने घंटे पहले तोड़ा गया होगा? ये तकरीबन 4 से 5 घंटे पहले तोड़ा गया है। अच्छा जी, 4 बजे से इसकी पैकिंग होना शुरू। यहीं से इंडिया के सभी कोनों में जाता है? यहाँ से इंडिया के सभी कोनों में। कितना वजन होगा इसका? एक का समथिंग 500 ग्राम होगा ये। अच्छा, 500 ग्राम जी जी। ये देखिए, ये कैरेट में देख सकते हैं, कैरेट का वजन समथिंग 25 किलो के आसपास होगा। हाँ, मैं ये काम का वजन तौला था 25 किलो के आसपास। जी जी, बहुत ही बेहतरीन वैरायटी दशहरी, जो की समझ लीजिए वर्ल्ड फेमस है। मलियाबाद की, मलियाबाद की देख सकते हैं। और यहाँ पे ये देखिए, बहुत बढ़िया। और ये इसी ट्रक में सप्लाई होके जाने वाला है जी। ठीक है, धन्यवाद। अच्छा, अपना नंबर बता दीजिए, अगर इंडिया में किसी को ये इस तरह के होलसेल में लेना है मैंगो, तो अपना नंबर बता दीजिए। कॉन्टेक्ट नंबर? कॉन्टेक्ट नंबर है 91 जी 40555261। ये आपका व्हाट्सएप नंबर चालू रहता है? नंबर है, रेगुलर नंबर मेरा चालू रहेगा, इससे बात हो जाएगी। और यहाँ से आप मैंगो बाई कर सकते हैं? जी भाई, ऑर्डर कर सकते हैं। कोई अगर मुझे ऑर्डर देगा तो मैं यहाँ से सप्लाई कर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। ठीक है।